नमस्कार दोस्तों, आपका केमिस्ट्री वाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको जो हमारे 12th क्लास में जो अभिक्रियाएं पूछी जाएंगी, लगभग जो नेम वाली जो रिएक्शन आती हैं, जो नाम से पूछी ही जाती हैं, लगभग हर साल ही पूछी जाती हैं, किसी ना किसी पेपर में, किसी ना किसी सेट में आएंगी ही, आपसे पूछी ही जाएंगी। तो सबसे पहली जो रिएक्शन यहाँ आपको दिख रही, ग्रिगनार्ड अभिक्रिया। तो ग्रिगनार्ड अभिक्रिया क्या होती, तो आपको ये सब यहाँ दिख रहा होगा, तो मैं आपको इसी के सब मैकेनिज्म हर चीज़ समझाऊंगा आज। तो आपको यहाँ लिखा दिख रहा होगा एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड हो, एल्किल हैलाइड को ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रियत कराने पर उच्च एल्किन बनती है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जब कोई एल्किल हैलाइड होगा अपने पास, तो उसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, किसी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। तो हमें क्या प्राप्त होगा, उच्च एल्केन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, उच्च एल्केन। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी एल्किल हैलाइड लिया और Mg लिया, तो जे अपन लोगों को CrMgX बना, इसे क्या कहते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। RMgX को क्या कहते हैं अपन लोग, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, जिसे अपन लोग CH3MgBr भी लिख सकते हैं, ठीक है, CH3MgBr। तो ये क्या होता है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। तो सब सपोज अपन लोग एग्जांपल देखते हैं, एक फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो अपन लोगों ने कोई एल्किल हैलाइड लिया, ये क्या है, एल्किल हैलाइड लिया जिसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करा दी, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से, CH3MgBr से। बस कुछ नहीं करना आपको, ये जो दिख रहा और जे दिख रहा, तो MgBr2 जे यहाँ निकल गया, पूरा निकल गया दोस्तों। और CH3CH2 और जो CH3 बचा वो यहाँ आ गया, तो जो अपना क्या बन गया, प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से अपन लोग लिख सकते। तो जे फर्स्ट हो जाता, सेकंड अपन लोग कोई सा भी, जैसे मैंने CH3CH2CH2Br ले लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने CH3MgBr से करवा दी, किससे करवा दी, CH3MgBr से। तो अपना क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 ये एज इट इज लिखते जाएं, CH2 CH2 CH3 लिख के MgBr2, ये बिल्कुल साथ में ही लिखते हैं MgBr2। ठीक है, इस तरीके से अपना ये दूसरा पॉइंट हो जाता। तो इस तरीके से हम ग्रिगनार्ड अभिक्रिया को लिख सकते। तो क्या लिखेंगे हम, जब किसी एल्किल हैलाइड को ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिकृत कराने पर उच्च एल्केन बनती है। तो जब हम किसी एल्किल हैलाइड को ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता, उच्च एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ग्रिगनार्ड अभिक्रिया। फिर अपने पास आती दूसरा दिख रहा होगा आपको दोस्तों, एल्डोल संघनन रिएक्शन। एल्डोल संघनन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता, जब हम एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया तनु क्षार की उपस्थिति में कराते हैं। कोई एसिटाल्डिहाइड होगा, कोई तनु क्षार होगा, कोई यानी कि बेस होगा, उसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, हम एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हैं, तब हमें एल्डोल प्राप्त होता है। जो जो दिख रहा है आपको वो पूरा क्या है, एल्डोल, तथा यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। इसलिए आपको समझ में आ गया, समझते हैं हम एग्जाम्पल से। तो मैंने कोई जो एसिटाल्डिहाइड लिया और जे भी एसिटाल्डिहाइड लिया, तो एसिटाल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल, और उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, NaOH से। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, कुछ नहीं करना, बस आपको सीधा देखना है। तो जो CH3 दिख रहा और जो CHO दिख रहा, ये आपको कंटिन्यू दिख रहा होगा, तो बस कुछ नहीं करना, जो H और OH मैंने मान लिया ऐड होगा एक दूसरे से, तो CH3 हो गया, CH हो गया, CH3CH और OH जो बना उसे मैं यहाँ लेके आ गया, ठीक है। अब CH2OH बचा तो वो मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो अपना क्या बन गया, एल्डोल, क्या बन गया,
एल्डोल, जो आपको दिख रहा होगा एल्डोल कहाँ है, जे, ये जो दिख रहा है आपको वो क्या है, एल्डोल अपना, जे बना एल्डोल। तो इस रिएक्शन को, जब अपने पास एल्डोल बनना, तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, एल्डोल संघनन रिएक्शन, ठीक है। और इसी तरीके से हम और भी रिएक्शन समझ सकते हैं। यदि आपको रिएक्शन अच्छी लग रही हो और आपको जे लगे कि मुझे जो केमिस्ट्री के पेपर में उसमें अच्छे नंबर लाने इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है, तो आप कमेंट में बताइए कि सर आप इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो जो है मैं हर चीज़ लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और आप लोग कमेंट में बताते जाना कि जे रिएक्शन मैं, मेरे पास हर चीज़ का कंटेनर है, मैं आपको हर चीज़ अच्छी अच्छी प्रोवाइड कराऊँगा जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। और लगभग मुझे पता होता है लगभग कौन कौन सी चीज़ें, हर साल बेसिकली हर चीज़ वही रिपीट की जाती है। तो इसलिए मैं आपके लिए, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये नेम वाली रिएक्शन है, इसलिए ये नेम आपको पूरे याद करने ही होंगे कि कौन रिएक्शन किससे होती। बस आपको नेम याद करना और बेसिकली आप बना लोगे। इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाता जा रहा कि रिएक्शन क्या होती, कैसे बनना, ये सब कैसे आप देखोगे और हल के हल बना दोगे। तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तभी आपके पास हर चीज़ आएगी। तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही, क्योंकि आपके 4 मार्च को जो इंटर वालों के पेपर हैं उसके लिए जब तक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएंगे, जब लगभग सभी रिएक्शन वो आपके पेपर में पूछी ही जाएंगी। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।